आइए, सब लोग आवाज सुनाई दिया, यहाँ से आ रहा है खट खट करके। सो हेलो देयर गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द सेम लोकेशन वंस अगेन। सो ये वाला वीडियो जो है इसका फ्रंट एंड नॉइस के अपडेट के ऊपर है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसका फोक से कुछ नॉइज़ आ रहा है। वो नॉइज़ जो है अभी चला गया है, मतलब फोक्स अप डाउन करने पे वो वाला नॉइज़ और नहीं आता है, बिकॉज इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड। अब कैसे रेक्टिफाइड हुआ बताते हैं। सो इसका जो कोन सेट होता है, बेसिकली हैंडल टी जो होता है, वो आपको यहाँ से शायद पता ना चले, बट पीपल नो द हैंडल टी और द कोन सेट, बेसिकली उसको चेंज करवाया गया है, नया बॉल रेसर इंस्टॉल करवाया गया। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूरा बॉल रेसर जो है मेरा घिस चुका है। बॉल रेसर एडजस्टिंग का जो पॉइंट है, ये लोग इतना एडजस्ट किए इसको, ये पूरा घिस चुका। बहुत जगह में स्क्रैचेज आ चुके हैं मोटरसाइकिल में, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इतना स्क्रैचेज मुझे एकदम पसंद नहीं है। ये टैंक खोलने पर भी यहाँ पे स्क्रैच आया था, इसको मैंने अडैप्ट करवा दिया है, तो क्या ही बोल सकते, कुछ कर नहीं सकते इस केस में। और अभी मैं बात करना चाहूँगा कि क्या जो मेरा प्रॉब्लम था, क्या वो कम्प्लीटली चला गया कि नहीं। सो द प्रॉब्लम विच आई वाज फेसिंग वाज, ये इस एरिया से एक खटखट करके साउंड आ रहा था जब भी मैं कोई बम्पर या फिर बम्पी रोड के ऊपर जा रहा था। सो द मेन प्रॉब्लम इज़ कि ये शायद बॉल रेसर का इशू था या फिर फोक्स का इशू था। सो मैंने सर्विस सेंटर विज़िट किया, आप लोगों को छोटा मोटा क्लिप्स दिखाएंगे। सर्विस सेंटर विज़िट करने के बाद ये जो व्हील है, ये और एक हंटर से लगाया गया, फिलहाल के लिए नहीं, द इंस्टॉल्ड वन इज़ माइन ओनली। पर वो लोग ट्राई किए इसका व्हील को चेंज करने का, बोथ द फोक्स वर चेंज्ड, इवन एवरीथिंग वाज एक्चुअली टोर्न ऑफ फ्रॉम द मोटरसाइकिल। ये विंडशील्ड निकाला गया था, हेडलाइट निकाल दिए थे, ये गार्ड निकाल दिए थे, ये वाला लेग गार्ड निकाल दिया गया था, द सम गार्ड वाज रिमूव्ड, एवरीथिंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द मोटरसाइकिल, जस्ट टू फिगर इट आउट दैट व्हाट वाज द एक्चुअल साउंड कमिंग फ्रॉम। सो उन लोगों को पता तो नहीं चला कहाँ से साउंड आ रहा है, पर मैंने इंसिस्ट किया कि इसका कौन सेट को चेंज किया जाए, तो द कौन सेट वाज चेंज्ड एंड बॉल रेसेस को जो है चेंज किया जाए, पहले ग्रीस किया गया था। सो द बॉल रेसर एंड द कोन सेट वॉज चेंज, उसके बाद फोर्क्स को अप डाउन करने पे जो साउंड आ रहा था वो चला गया। तो हम लोग जो फोर्क्स को अप डाउन करने पे, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से एक साउंड आ रहा है क्लिकिंग नॉइज, वो चला गया। बट अभी भी अगर मैं बम्पी रोड्स में जाता हूँ तो प्रॉपर यहाँ से साउंड आता है। लेट मी टॉक अबाउट द फ्रंट एंड नॉइज विच वॉज कमिंग फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। ऑब्वियसली इट इज़ रिड्यूस टू अ बिट, आप लोगों को पता तभी चलेगा जब मैं आपको सही से सुनाऊंगा। इट्स कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, ऑब्वियसली विंड नॉइज़ की वजह से उतना समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, पर कोशिश कीजिएगा सुनने का। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं इंजन का नॉइज़ ऑफ कर दूंगा, जब भी कोई बम्पी रोड में हम लोग जाएंगे वी विल स्टॉप द इंजन नॉइज। ओके लेट्स स्टार्ट। खट खट करके साउंड आया आप लोगों को, फिर से ट्राई करते हैं। आइए, सब लोग आवाज सुनाई दिया, यहां से आ रहा है खट खट करके। शायद आप लोगों को सुनाई दिया जो नॉइस के बारे में बात कर रहा था। इट इज़ प्रीटी मच अनोइंग फॉर मी एंड आई डोंट नो ये कब रिजॉल्व होने वाला है, बहुत ही पेन दे रहा है ये वाला। सो यहाँ से पर्टिकुलरली वो साउंड आता है। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये हेडलाइट से आ रहा है, सॉरी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आ रहा है, पर ऐसा कोई बात नहीं, इसको सब कुछ को रिमूव करवा दिया गया था। उसके बाद भी जो पर्टिकुलरली वो जो खट 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 करके साउंड आ रहा है वो अभी तक के लिए वैनिश नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज लाइक रिमूव्ड, ये वाला इसको रिमूव कर दिए थे, इसको बांध दिए थे, ये जो केबल जो नीचे लटक रहा रहता है आप लोगों को पता ही है, इसको बांध दिया गया था। एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर, और मैं उन लोगों का जो पर्टिकुलर डेडिकेशन है उसको मैं बहुत ही जो है आई विल अप्रिशिएट द डेडिकेशन ऑफ रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर, बिकॉज वो लोग इतना मेहनत किए पर फिर भी जो है मेरा गाड़ी प्रॉपर तरीके से अभी भी सही नहीं हुआ है। तो अभी what I am willing to do is like, अभी इससे जीना सीख रहा हूँ मैं, इसके साथ टैपेट नॉइज़ के साथ पहले जीना सीख लिया, किट 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 करता रहता है, अभी जो है इसके साथ भी जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख रुपये दिए हैं, कुछ दिन तो चलाना पड़ेगा मोटरसाइकिल को। सो चलिए इसी बात पे एंड करते हैं ये वीडियो को, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं मेरा मोटरसाइकिल अभी कैसा दिख रहा है, पूरा प्रॉपर मॉडिफिकेशन करवा के रखा है मैंने, एवरीथिंग पूरा प्रॉपर कैफे रेसर लुक देने के लिए। बस ये वाला चीज़ कैफे रेसर का लुक ख़राब करता है, दैट्स इट, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर।